भगवान के भक्त के ऐसा मत समझना जीवन में कष्ट नहीं आते, ऐसा मत समझना, क्योंकि कर्मों की गति इतनी गूढ़ है, कर्मों की गति इतनी गूढ़ है कि किए हुए कर्मों का फल कहीं ना कहीं आकर के जरूर मिलता ही मिलता है। भगवान के भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आते, खूब कष्ट आते हैं महाराज। आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, सुना होगा आपने, कि फलाने संत जा रहे थे गाड़ी में और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दब करके मरे, महाराज लाश निकालना मुश्किल है। अब बताओ कोई ये कहे कि इतने बड़े संत ऐसे कैसे मर गए, भैया इसमें कौन बड़ी बात है, हर व्यक्ति की कर्मों की गति उसके उसके साथ है महाराज। और हम आपको एक ऐसी घटना सुना दें कि रहते कहीं और जा करके हैं, रहते कहीं दिल्ली कलकत्ता बंबई में बड़े बड़े जगह, उनके बच्चे रहते हैं, खूब मकान फ्लैट सब जगह है, पर खूब बीमार हो गए, दिल्ली भी दिखाया, बॉम्बे भी दिखाया, बच्चों ने कोलकाता भी दिखाया, सब जगह दिखाया, और उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट करी, बोले अब थोड़े ठीक हो गए तो बोले हम वृंदावन का वास करेंगे। और महाराज जैसे ही वृंदावन लेकर के पहुंचे और दूसरे दिन अटैक आ गया, खत्म हो गए। अब इनका सौभाग्य क्या कहोगे भाई, रहने वाले बॉम्बे कलकत्ता के, लेकिन प्राण कहाँ आकर के छोड़े, सिरधाम वृंदावन में, और वृंदावन के होकर के प्राण कहाँ छूटे, बोले दिल्ली के हॉस्पिटल में जाके मरेगा। सारी जिंदगी कहाँ रहे, बोले सारी जिंदगी वृंदावन का वास किया, लेकिन प्राण कहाँ जाके निकले, बोले हॉस्पिटल में जाके मरे कहीं जाकर। इसलिए हमारे हमने सुना ऐसे वृंदावन के ऐसे कई संत थे, जब बीमार पड़ते थे तो वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जाते थे, बोले क्यों, बोले मरेंगे तो यही मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डॉक्टरों को दिखाने हम वही कहीं जाके मर मरा गए तो फिर तो और लो क्या करेंगे। एक कहने की बात है, समझिए थोड़ा सा बात। आप ऐसा मत समझना कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आते, भक्त के जीवन में भी कष्ट आते हैं, पर सबसे पॉजिटिव बात यह है कि भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं पर उनको सहने की शक्ति उसको पहले से ही प्राप्त होती है, हमारा उनको सह जाता है। पर साधारण व्यक्ति क्या करता है, वो घबरा जाता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि जीवन में कोई घटना घट गई तो उसने भगवान की मूर्ति को उठा करके फेंक दिया, बोले कुछ नहीं होते भगवान भगवान सब बेकार की बात है। अब बोलो मतलब वाह बढ़िया बढ़िया, तुम खाओ तो गोबर कौन खाएगा, उसको भी टेस्ट करो भाई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए तो फिर ये तुम्हारा प्रारब्ध कहां जाएगा, दुख कहां जाएंगे फिर। और जरा सा कोई दुख जीवन में आ गया तो उसके लिए भगवान को कौन दोष देता है, भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना भगवान किसी को सुख देते हैं, ये सुख दुख केवल केवल तुम्हारे ही कर्मों का फल है महाराज। जैसा बोया है ना, जो बो करके आए हो, जब बबूल बोया है तो आम चाहते हो, आम कहां से मिलेंगे, वो कांटा ही मिलेगा महाराज। लेकिन इस कर्मों की गति को लोग समझते नहीं है महाराज, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा चखना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत समझना कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आते, कष्ट भक्त के जीवन में भी आते हैं, क्योंकि कर्मों की गति तो सबके साथ जुड़ी हुई है महाराज। मेरे साथ मेरे कर्मों की गति जुड़ी है, हमने क्या किया है और क्या करके हम आए हैं उसका हमें हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं, जीवन में कोई कष्ट आए तो घबराना नहीं, क्यों, क्योंकि यही मान लेना कि भगवान हमारे कर्मों को काट रहे हैं महाराज। अच्छा आप एक विचार करना मेरी बात पर थोड़ा सा, कि एक बच्चे का जन्म हुआ, 9 महीने पर एक बच्चे का जन्म होता है, पर ऐसी क्रिटिकल स्थिति बन गई कि 8 महीने भी हो गया, प्री मैच्योर वो डिलीवरी हो गई, बच्चे को जैसे तैसे रखा, उसको कांच के उसमें रखते हैं ना, उसका भाई इसके इलाज प्रॉपर मिलता रहे, इसे सांस मिलती रहे, जो भी उसकी होती होगी एक प्रक्रिया, खूब महाराज पानी के जैसे पैसा बहा दिया कि कैसे न कैसे करके बच्चा ये ठीक हो जाए। पानी की तरह पैसा बहाया, 2-4 महीने हॉस्पिटल में ही रहा, थोड़ा बहुत लगा कि सही हो गया, घर ले आए, और 2-4-5 महीने उसने और सेवा कराई, और 6 महीने का होकर के मानो वो सबको छोड़ करके, ऐसे कई केस सुनने को मिलते हैं। एक दिन मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था
कि जो बच्चा 10 महीने में ही मर गया, आखिरकार उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था? बोलो भाई, भाई क्या किया उसने? उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी दुनिया से निकल करके कौन सी दुनिया में आया हूं, उसे ये भी खबर नहीं है। उसे ठीक से ये भी नहीं पता 6 महीने के बच्चे को कि मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन है, उसे कुछ नहीं पता। अब विचार करना। तब मैंने बैठे बैठे यही निष्कर्ष निकाला कि वो जो आया था वो केवल अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया था महाराज। तुम्हारा कोई कर्जा उस पर बन रहा होगा तो आने से पहले ही लाखों रुपए खर्च करा गया महाराज, वो खर्च भी करा गया। पैसा खर्च करके बच्चा बच जाता तब भी एक तसल्ली होती है, चलो पैसा खर्च हुआ लेकिन बच गया, पैसा भी गया और लेकिन व्यक्ति भी, बच्चा भी हाथ से चला गया। ऐसे कितने केस हो जाते हैं महाराज। तब मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला, मैं तो बैठे बैठे यही सोचता रहता हूं कि आखिरकार ये व्यक्ति कर क्या रहा है महाराज। तब बात समझ में आई कि कर्मों की गति बड़ी गंभीर है, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए उसे आना ही पड़ा और आया, तुम्हें भी भुगवा दिया, खुद भी भोग लिया, तुम्हारा भी खर्चा करा दिया, अपना कर्जा भी उसने नकदी कर्जा भी अपना चुका लिया। मेरा कहने का भाव यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं भक्ति करो, इसलिए कह रहा हूं कि नाम जप करो। क्यों? क्योंकि कष्ट तो आएंगे लेकिन सहने की शक्ति बनी रहेगी, सहने की शक्ति बनी रहेगी।